हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज लेके आई हूँ कबूतर मीट की रेसिपी। यदि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए देखते हैं मैं कबूतर मीट कैसे बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम कबूतर की मीट लेके धो लिया। अब मैं इसमें 2 कटी हुई आलू, 3 प्याज, 1 चम्मच लाल मिर्च पेस्ट, 1 चम्मच जीरा पेस्ट, आधा चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 चम्मच प्याज के पेस्ट ले लूँगी। उसके साथ ही स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और लगभग 2-3 चम्मच सरसों तेल लेके ये सब अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैंने ये सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट हो चुका है। पहले से ही मैंने एक कढ़ाई पर तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसमें 1 तेज़पत्ता, 2 सूखा लाल मिर्च, 1/4 आधा चम्मच जीरा डाल दूंगी। जब ये सब फ्राई हो जाए तब इसमें मीट चॉप डाल दूंगी। ये सब थोड़ा ऊपर तल करके 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना है। 2 मिनट हो चुका है, ढक्कन उठा देती हूँ। अब हमें लगभग 5 मिनट बिना ढक्कन के ये सब फ्राई करना है। इसमें से लगभग पानी सूख चुका है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के मिक्स कर दूंगी और गैस ऑफ कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए हैं। यदि पसंद आए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही नई नई रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो आज के लिए बाय बाय।